फिल्म की स्टार्टिंग में दो सुंदर लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि असल में स्नेक डीमन होती हैं, जो इंसानों का भेष भी बदल सकती हैं। दोनों ग्रीन और वाइट स्नेक बहनी होती हैं और जिनकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा होती है। वाइट स्नेक का नाम सूजी और ग्रीन स्नेक का नाम चिंग चिंग होता है। एक दिन दोनों बहनों को माउंटेन में एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है जियान। जियान एक फिजिशियन होता है और वो जड़ी बूटियों की तलाश में वहाँ आता है। ग्रीन स्नेक यानी कि चिंग, जो कि बहुत शरारती होती है, वो सांप के रूप में जियान के पास जाकर डराती है और उसे नदी में गिरा देती है, जिससे वाइट स्नेक यानी सूजी को अच्छा नहीं लगता और वो अपने आप को इंसान में बदलकर नदी में कूद जाती है और वहाँ जियान को किस करती है और जिससे कि उसकी जान बच जाती है। फिर जियान को जब होश आता है वो अपने दोस्तों के बीच होता है। वो उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई, जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी और वो इमेजिन कर रहा है। उसी दिन विलेज में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है और टेंपल के मास्टर और उसका दोस्त रेन भी उस फेस्टिवल में जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं इस फेस्टिवल में डीमन इंसानों को मार ना दे। जियान जड़ी बूटियों के साथ उसी फेस्टिवल में जा रहा होता है और वो मास्टर को भी अपने साथ बोट में ले जाता है। वाइट स्नेक यानी सूजी जियान के बारे में और उसे दी गई किस के बारे में सोचती रहती है। वो अपनी बहन को ये बताती है और कहती है कि वो जियान से मिलना चाहती है और उन्हें भी फेस्टिवल में जाना चाहिए। वो सब फेस्टिवल में जाते हैं और फेस्टिवल में चिंग को मास्टर के दोस्त रेन के साथ बात करते हुए दिखाते हैं और वो बातों बातों में उसे बोल देता है कि वो लोग डीमन पकड़ने आए हैं जो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। चिंग उसे हर्ट करने लगती है पर तभी उसे जियान दिख जाता है। वो जियान के पास जाकर बताती है कि वाइट स्नेक उसे प्यार करती है पर वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर चिंग बोट को वाइट स्नेक के पास ले जाती है जहां सूजी जियान को ये बताती है कि वो उससे प्यार करती है। जियान कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है जिसने उसकी जान बचाई थी, और वो कहती है कि वो ही है जिसने उसकी जान बचाई थी और उसे पानी में गिरा देती है और फिर खुद भी नदी में कूद जाती है। अब जियान को उस पर यकीन हो जाता है। वहाँ दूसरी ओर मंदिर के मास्टर के दोस्त रेन को बैड डीमन दिखता है और वो उनसे लड़ने लगता है। उनमें से एक बैड डीमन का किंग उसे अटैक कर देता है और उसको काट लेता है। फिर उसी वक्त मास्टर आ जाता है और सभी डीमन्स को आग में जलाकर मार देता है। अगले दिन सूजी जियान के घर जाती है और वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फेस्टिवल के अगले दिन जब रेन उठता है तो वो देखता है कि वो भी डीमन में बदल रहा था क्योंकि उसे डीमन ने काट लिया था। वो ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो इंसानों को डीमन बनकर नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। वो जब खुद को मारने लगता है तो उसी वक्त चिंग वहाँ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर चिंग रेन को ये समझाती है कि वो भी एक डीमन है और डीमन होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। जियान और सूजी शादी करके एक साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन मास्टर एक गांव में जाता है और उन लोगों से मिलता है जहां के लोग फॉक्स डीमन से बहुत परेशान हैं, और जियान जिसको शुरू में जड़ी बूटियों लाते देखा गया था वो उन जड़ी बूटियों से उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। सूजी जो जियान के साथ होती है वो ये सब देख रही होती है। जियान जब जड़ी बूटियाँ बना रहा होता है उसमें अपनी पावर्स डाल देती है जिसके कारण वो वीक फील करने लगती है। जब जियान वो जड़ी बूटियाँ गांव वालों को देता है तो वो ठीक होने लगते हैं, जिसे देखकर मास्टर हैरान रह जाता है। वो जियान से पूछता है कि और कोई था उसके साथ जब वो जड़ी बूटियाँ बना रहा था, तो वो कहता है कि उसकी वाइफ ने उसकी मदद करी। मास्टर को ये समझ जाता है कि उसकी वाइफ कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है और मास्टर उसे सेफ्टी के लिए एक नाइफ देता है। और दूसरी ओर मास्टर सूजी को कन्फ्रंट करता है पर वो उसे हर्ट नहीं करता क्योंकि उसने फॉक्स डीमन से बहुत से लोगों की जान बचाई। पर मास्टर सूजी को ये कहता है कि उसको जियान को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक इंसान और डीमन का साथ रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। तब मास्टर अपने शिष्यों के साथ सूजी के घर पर अटैक कर देता है जहां वो स्नेक के रूप में सबसे लड़ती है। तभी जियान उसे मास्टर के दिए गए चाकू से मार देता है क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि वो ही सूजी है। सूजी को बहुत चोट लगती है और वो वहां से भाग जाती है। जब जियान को पता चलता है कि सूजी ही
वो सांप थी, तो वो उसे बचाने के लिए जड़ी बूटी ढूंढने चला जाता है, जो कि एक चूहा होता है उसकी हेल्प करता है। जियान किसी भी हाल में उसको बचाना चाहता है और वो जड़ी बूटी लेके आना चाहता है। वो जैसे ही उस हर्ब को उठाता है तो डीमंस उसको वश में कर लेते हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटी ही थी जिसने सभी डीमंस को कैद करके रखा था। और तभी मास्टर और उसके शिष्य वहाँ पर आते हैं और जियान को बचा लेते हैं। सूजी का चूहा जाकर उसे वो हर्ब दे देता है जिससे सूजी ठीक हो जाती है, और दोनों बहनें मास्टर और उनके शिष्यों पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मास्टर जियान और सूजी को अलग करना चाहता है। पर जब सूजी जियान से मिलती है तब उससे पता चलता है कि जियान को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। दोनों बहनों और मास्टर के बीच में लड़ाई चलती है, क्योंकि मास्टर बुद्धा में बहुत विश्वास करते हैं और उनकी पावर से अपने चारों तरफ एक वेपन खड़ा कर लेता है और सूजी और उसकी बहन को हरा देता है। और इस समय सूजी रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार बस जियान को मिलना चाहती है, और मास्टर सूजी की विश को पूरा करता है और सूजी जियान को किस करती है, जिससे कि उसको सब कुछ वापस याद आ जाता है। जिसके बाद मास्टर फिर से सूजी को उस टेंपल में कैद कर देता है, और जियान ये सब देखकर बहुत ही दुखी होता है। चिंग और रेन ये सब दूर से देख रहे होते हैं, और चिंग रेन को कहती है कि वो अब किसी से प्यार नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसकी बहन ने भी प्यार किया था और इसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। फिर हम देखते हैं कि जियान अभी भी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा होता है और सूजी अभी भी उस टेंपल में कैद है।